लोहरदगा में दो छात्राओं ने अपने विद्यालय के शिक्षक पर गंभीर रूप से पिटाई का आरोप लगाया है। ये लड़कियां सदर प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय अरकोसा में पांचवी कक्षा की छात्राएं हैं। उनका आरोप है कि दूसरी कक्षा के बाहर खड़े शिक्षक नवनीत मिश्रा को उनके द्वारा दिए गए होमवर्क दिखाए जाने पर उनकी छड़ी से पिटाई की गई। इतनी जोर से मारा गया कि छड़ी छात्रा के सिर पर ही टूट गई। डर से दोनों ने अपने घर में इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जब दर्द अधिक होने लगा तो परिजनों को इसके बारे में बताया, लेकिन तब तक शिक्षक रांची के लिए निकल चुके थे। हम लोग को स्कूल में होमवर्क दिखाने गए थे और सर मारने लगे थे। होमवर्क पूरा किए थे ना, फिर क्लास में आकर मारने लगे। पीठ में मारे थे, सिर में मारे हैं, पैर में मारे, हाथ में मारे, बिना कारण का मारे हैं। दर्द पीठ सिर सब सुसाए। हाँ, तो हमने थे करीब चार बजे स्कूल चल गए, तो इसको छुट्टी हो गया था। तो कोई मैडम थे, कोई सिखाने वाले आए थे स्कूल में, तो लोग बोल रहे हैं कि सर चल गए हैं। तो फिर अध्यक्ष सचिव लोग जब फोन किए, लोग सलाह लेते हैं तो हॉस्पिटल ले जाएंगे आके। देखिए ना, माथा ना पूरा फूल गया था, तो हम दौड़ ले गए स्कूल, तो स्कूल छुट्टी हो गया था। पाँच बजे फोन किए थे नवनीत सर, फोन नहीं उठाए। मुखिया जी फोन किया तो भी नहीं उठाए। फिर हमको लेकर आना पड़ा, बच्चा का दर्द हो रहा है, तो माथा तो खुल गया था। एक कदम कार्रवाई कर रहा हो जाएगा। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।